गुड मॉर्निंग क्लास 10th. टुडे आई विल स्टडीज द न्यू टॉपिक सॉइल. सॉइल मीन्स मिट्टी. फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे हुआ, टाइप से कितने प्रकार की होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका बंटवारा, ठीक है, एंड कंजर्वेशन, इसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है. ओके, ये दिस इज़ अ फर्स्ट लेसन टॉपिक. एंड प्रीवियस क्लास वी आई वॉज एक्सप्लेन द टॉपिक इज latent resourcing is well finished. So new topic is soil. Soil is a valuable wealth. मिट्टी जो है वो बहुमूल्य पदार्थ, ठीक है, संपदा है. Soil is the basis of economic development of our country. मिट्टी हमारे देश की आर्थिक विकास का आधार है, ठीक है. हमारे देश का जो आर्थिक विकास है उस पर डिपेंड करता है मिट्टी पर. क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है. ओके, आई नो या वी नो कि आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. अप्रॉक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन इज बिलोंग टू विलेजेस एंड हर ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग. अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन पैडोलॉजिस्ट डॉक्टर बिनेट, एक अमेरिकन मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बिनेट, उनके अनुसार सॉयल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक एंड वेजिटेशन. और जो अमेरिकन मिट्टी विशेषज्ञ हैं, मृदा विशेषज्ञ बिनेट के अनुसार, डॉक्टर बिनेट के अनुसार, जो अर्थ सरफेस, मृदा की जो भूपृष्ठ है, मिट्टी की जो सतह है, भूपृष्ठ पर मिलने वाली जो असंगठित पदार्थ हैं उनसे मिलकर वो बनी हुई है, कि ऊपरी परतें बनी हुई है, ठीक है. मिट्टी किससे बनी है? मिट्टी की जो लिथोस्फीयर की ऊपरी परत होती है वो किससे बनी है? अवशिष्ट पदार्थों से बनी हुई है जो मृदा भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं, ठीक. विच इज़ मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक एंड वेजिटेशन, जो किसकी बनी है? पेरेंट रॉक यानी कि मूल चट्टानों की, और वेजिटेशन वनस्पति से मिलकर बनी हुई है. लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉयल, पृथ्वी की सतह का बड़ा भाग किससे ढका हुआ है? मिट्टी से ढका हुआ है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर वेयर इन सूटेबल क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो. यानी कि ये जो मिश्रण है ये मूल चट्टान या मूल पत्थर और जैविक पदार्थों का मिश्रण है जिसमें उपयुक्त जलवायु की स्थिति होती है और विभिन्न विभिन्न टाइप की वनस्पति उग जाती है या उगाई जाती है. कुछ वनस्पति जो सेल्फ ग्रो होती है, ठीक है. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, मिट्टी जो है मानवीय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, स्पेशली फॉर फार्मर, मुख्यतः किसानों के लिए. ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल, मनुष्य का जीवन मिट्टी पर डिपेंड निर्भर करता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉइल, सभी जीवित प्राणी सीधे सीधे या असंवैधिक तरीके से किस पर डिपेंड है? मिट्टी पर डिपेंड है. वी गेट कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल फ्रॉम फॉर मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम सॉयल, वो मिट्टी से प्राप्त कपड़े बनाने के लिए कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ये सब मिट्टी से प्राप्त करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे सीधे या असंवैधिक तरीके से, असंगत है. एग्जाम्पल, शीप ईट ग्रास एंड गिव्स अस वूल. एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हमें भेड़ से ऊन मिलती है, ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखिए तो भेड़ जो है वो घास खाती है. जब भेड़ ईट ग्रास करती है तो वो ग्रोथ करती है और उसकी ऊन भी ग्रो होती है, तो वो उगती है या उसमें वो उत्पन्न होती है, ठीक. सिल्क वर्म सर्वाइव ऑन वेजिटेशन एंड वेजिटेशन ग्रोज इन सॉयल, जो रेशम का कीड़ा होता है जिससे हमें रेशम मिलता है वो वेजिटेशन पर या वनस्पति पर रहता है, उसी को खाता है. और वेजिटेशन जो वनस्पति है वो कहाँ उगाई जाती है? मिट्टी में उगाई जाती है, वो उस पर डिपेंड है. अवर इंडस्ट्रीज लाइक एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑल डिपेंड ऑन सॉयल. हमारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आपका एनिमल पशुपालन है, एग्रीकल्चर है, खेती है, फॉरेस्ट जंगलों पे या वन्य जो वनों पर आधारित जो कंपनियां हैं या औद्योगिक है वो सारी मिट्टी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है.
सो सॉइल इज़ द बेसिस ऑफ अवर लाइफ, इसीलिए मिट्टी जो है हमारे जीवन का आधार. अकॉर्डिंग टू विलकॉक्स, विलकॉक्स के अनुसार द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल एंड द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिगिन फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो इतिहास सभ्यताओं का इतिहास है, ठीक है, इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल, वो मिट्टी का इतिहास है. एंड द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिगिन फ्रॉम द सॉइल, तो हमारी शिक्षा जो है वो भी मिट्टी से ही शुरू हुई है या प्रारंभ हुई है. फॉर्मेशन, न्यू टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण या मृदा निर्माण. सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेज बट द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, मिट्टी जो है वो रिन्यूएबल नवीनीकरण है, पुनर्नवीनीकरण संसाधन है. बट द प्रोसेस इज इट ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज़ वेरी लो, बट जो मिट्टी निर्माण की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो बहुत धीरे धीरे चलती है, स्लोली स्लोली. ओके, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, मीन इन द फॉर्मेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर मोर देन 1000 ईयर विल बी रिक्वायर्ड. मतलब ये जो है 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर बनने में या मोटी परत बनने में सैकड़ों वर्ष लेती है, 100 वर्षों का समय लेती है. इसका मतलब है कि यदि हमें 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर चाहिए तो इसके लिए हमें हज़ारों साल लग मिट्टी को हज़ारों साल लग जाएंगे जब वो 2.5 सेंटीमीटर मोटी होगी. 2.5 प्लेन सरफेस इज बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिकॉज लीस्ट प्रॉब्लम आर क्रिएटेड हेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन. जो मैदानी सतह होती है मिट्टी की, जो मैदानी सतह होती है वो मिट्टी निर्माण के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी निर्माण में कम समस्याएं उत्पन्न होती हैं. जैसे कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, विभिन्न फैक्टर है, कारण है जो मिट्टी निर्माण में सहायक होते हैं, जिनके कारण ये होती है. नंबर 1 पेरेंट रॉक एंड टोपोग्राफी, मूल चट्टाने और ऊपरी सतह. क्लाइमेटिक कंडीशन विच हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, क्लाइमेट जलवायु स्थिति जो पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, तोड़ती है, ठीक है, वेदरिंग. प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर एंड देयर रिमेन्स और उनके अवशेष. सॉयल प्रोफाइल, सॉयल प्रोफाइल इज़ द सिक्वेंस कलर टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द हॉरिजोन सुपर इम्पोज्ड वन अबव द अदर एंड एक्सपोज इन अ पिट सेक्शन डक थ्रू द सॉयल मेंटल. सॉयल प्रोफाइल कहते हैं एक सिक्वेंस वाई होता है जो लंबा चलता है, इसमें कलर, उसका रंग, टेक्सचर, उसमें कैसा मिश्रण है, किस टाइप की मिट्टी है वो, ठीक है, नेचर ऑफ द हॉरिजोन और प्रकृति का जो नेचर, उसकी कैसी प्रकृति है, हॉरिजोन टाइप, वन अबव अदर, एक के ऊपर एक होती है ये, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पिट सेक्शन में यानी कि गड्ढे टाइप में होती है, परतों के रूप में मिलती है, तो इसे हम 4 पार्ट्स में थ्रो मेंटल के थ्रू, जैसे क्रस्ट है, कोर है, मेंटल, तो इस तरह क्रस्ट, मेंटल, कोर एंड, ठीक है. तो सबसे पहले जो लेयर होती है नंबर 1 वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ टॉप सॉइल, उसे हम अपर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं, ऊपरी परत, ठीक है. सेकेंड है आपकी सब सॉइल, उप परत. थर्ड लेयर इज़ वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, यहाँ पे अपक्षयत मूल चट्टानों के जो पदार्थ होते हैं वो उससे बनती है, ठीक है. फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक, और फोर्थ लेयर जो होती है उसमें आपके मूल पत्थर या मूल चट्टान होती है. टॉप सॉइल इज द ऑफ द अपर मोस्ट लेयर इज द रियल सॉइल, जो ऊपरी सतह होती है चट्टान की, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो रियल होती है, वास्तविक मिट्टी कहलाती है. इट्स इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इट्स द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसके जो महत्वपूर्ण गुण है, करेक्टर है, वो है कि इसमें ह्यूमस भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ पाए जाते हैं. सेकेंड लेयर इज सब सॉइल, सेकेंड लेयर को सब सॉइल बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ रॉक, सैंड पार्टिकल एंड क्ले, जिसमें पत्थर होते हैं, ठीक है, और बजरी, सैंड जो होती है, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं और क्ले होती है, मिट्टी. थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड पेरेंट रॉक, थर्ड लेयर जो होती है इसमें आपके मौसमी जो पत्थर होते हैं, जिससे जैसे जलवायु स्थिति के पत्थर टूटते, वो स्थिति वो होते, और फोर्थ लेयर में, फोर्थ लेयर जो होती है वो आपकी मूल चट्टान से बनी हुई होती है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिट्टी के प्रकार और उनका बंटवारा, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है. सॉइल हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑफ मैनी साइंटिस्ट, मिट्टी को कई सारे वैज्ञानिकों ने क्लासिफाइड वर्गीकृत किया है. इंडिया इज़ नोन फॉर इट जो ट्रोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, भारत जो है इसके उच्चावच के लिए फेमस सेट स्ट्रक्चर में पाया जाता है. वेजिटेशन, वनस्पति एंड डाइवर्सिटी इन इट्स क्लाइमेट, और विभिन्नता है इसकी जलवायु में, इस वजह से यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी
पाई जाती है। देयरफॉर इंडियन सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप, इसीलिए भारतीय मिट्टी को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर वन एलुवियल सॉइल, नंबर टू ब्लैक सॉइल, नंबर थ्री ब्रेड सॉइल, नंबर फोर लैटेराइट सॉइल, नंबर फाइव डेड सॉइल, नंबर सिक्स माउंटेन सॉइल। तो हमारे भारत में छः प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नंबर वन है आपकी एलुवियल जलोढ़ मिट्टी, नंबर टू काली मिट्टी या रेगोर मिट्टी, नंबर थ्री रेड लाल मिट्टी, नंबर फोर लैटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है, और नंबर फाइव रेगिस्तानी मिट्टी डेजर्ट मिट्टी, नंबर सिक्स माउंटेन सॉइल पर्वतीय मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो चिकनी वाली जो, ठीक है, ये इस तरह से होती है। नंबर वन है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लियर एंड लूमी सॉइल, इसे हम लूमी सॉइल या फिर क्ले के रूप में जानते हैं। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये कैसी हल्के भूरे रंग की होती है, एंड फाउंड अप टू 490 मीटर डेप्थ, ये 490 मीटर गहराई तक पाई जाती है। दिस सॉइल इज जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस बट रिच इन पोटाश एंड लाइम। इस सॉइल में सामान्य रूप से आपका नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस मिलता है, बट भारी मात्रा में पोटाश और लाइम पाया जाता है। दिस सॉइल इज जनरली डेफिशिएंट, सॉरी, थ्री मेजर रिवर ऑफ इंडिया, भारत में तीन बड़ी नदियां हैं, नंबर एक द सतलज, नंबर टू द गंगा, नंबर थ्री ब्रह्मपुत्र। ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय, ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से इनका उदय होता है, ये हिमालय से निकलती है। एंड देयर ट्रिब्यूटरी ट्रांसपोर्ट दिस सॉइल इन इंडिया, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती, कौन सी मिट्टी को, एलुवियल मिट्टी को, ठीक। फाइन पार्टिकल आर डिपोजिट इन द डेल्टा रीजन ऑफ दिस रिवर, इन इसमें अच्छे अवशेष पदार्थ पाए जाते हैं, डिपोजिट जमा हो जाते हैं डेल्टा क्षेत्र पर, मुहाने पर, इन नदियों के मुहाने पर। आफ्टर फ्लोइंग हंड्रेड ऑफ किलोमीटर इन थाउजेंड ईयर, जब ये हसल सैकड़ों किलोमीटर बहती है और हज़ारों सालों से बहते चले आ रहे हैं, दीज फाइन पार्टिकल नोन एज एलुवियम, जो अच्छा ये जो फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं इन्हें हम एलुवियम बोलते हैं, ठीक है। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड क्ले एंड लूमी पार्टिकल, इस मिट्टी में अच्छी मात्रा में क्ले सैंड और लूमी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सैंड रेत, क्ले मिट्टी और लूमी मतलब जो चिकने पदार्थ होते हैं वो। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन लार्ज एरिया ऑफ दिस द कंट्री एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार की मिट्टी जो है भारत के बड़े क्षेत्र में या बड़े भाग में पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, ये हमारे पूरे देश के 40% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, सिचुएटेड इन द बेसिन ऑफ रिवर सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयस। तो ये जहाँ पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और उत्तर पूर्वी राजस्थान भाग में, जहाँ पर इंडस घाटी की जो इंडस घाटी है उसकी इंडस नदी की घाटी में पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र जहाँ से उदय होती हैं हिमालय से वहाँ पर पाई जाती है। सिमिलरली इन साउथर्न इंडिया, इसी तरह ये साउथर्न इंडिया में इट इज़ फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, ये गोदावरी नदी के मुहाने पर, कृष्णा कावेरी में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तटीय क्षेत्रों में, एज वेल एज इंटीरियर पार्ट ऑफ द वैली, नर्मदा एंड ताप्ती, उसी तरह नर्मदा और ताप्ती के अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ ये बहती है वहाँ पर ये पाई जाती है। सेकेंड इज ब्लैक सॉइल एंड रेगोर मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, दिस सॉइल इज नोन एज रेगोर और ब्लैक कॉटन सॉइल, इस मिट्टी को सूती, काली सूती मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर, ये गहरे काले रंग की होती है, एंड मेड अप ऑफ फाइनी ग्रेन पार्टिकल, और ये बनाती है अच्छे ग्रेन पार्टिकल से, ठीक है। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें काफ़ी समय तक, लंबे समय तक नमी बनी रहती है। दे आर जनरली डेफिशिएंट इन, इसमें भी सामान्य रूप से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड ह्यूमस पाया जाता है, पर भारी मात्रा में इसमें पोटाश, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन पाया जाता है। नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट आर फाउंड इन दिस सॉइल, काफ़ी भारी मात्रा में है इसमें रासायनिक तत्व भी पाए जाते हैं। दे बिकम स्टिकी, ये कैसी होती है, चिपचिपी होती है, स्टिकी, वैन वेट एंड डेवलप क्रैक, जब ये सूख जाती है, सॉरी गीली होती है तो क्या करती है, जब ये सूखी होती है तो ये चिपचिपी होती है, ठीक है, दलदली, और जब ये सूख जाती है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, क्रैक मीन्स होता है दरारें पड़ जाना। दिस क्रैक हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल, और ये जो क्रैक्स होते हैं, दरारें होती हैं, ये सहायक होती हैं मिट्टी में हवा के मिश्रण में,
ओके इन इंडिया इट इज़ फाउंड फ्रॉम गुजरात टू अमरकंटक एंड बेलगाम टू गोवा। इस टाइप की मिट्टी जो है गुजरात के अमरकंटक और बेलगाम से गोवा तक गुना तक पाई जाती है। ठीक है, इट आकर इन द रीजन ऑफ दक्कन ट्रैप इन महाराष्ट्र और बीजेपी जहाँ पे ये पाई जाती है, तो ये इट आकर इन द रीजन ऑफ द दक्कन ट्रैप इन महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, साउथर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, साउथर्न एंड वेस्टर्न ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। इस टाइप और इसके जो क्षेत्र जहाँ ये पाई जाती है, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, मध्य प्रदेश, साउथर्न दक्षिणी पार्ट है उड़ीसा का वहाँ पर, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट उत्तरी क्षेत्र है कर्नाटक के दक्षिणी और पश्चिमी एरिया है आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ सुटेबल फॉर कॉटन एंड सेरल्स, ये उपयोगी होती है या अच्छी होती है उपयुक्त मात्रा में या इसमें कॉटन और अनाज दलहन सेरल्स उगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेड सॉयल, दिस रेड सॉयल मीन लाल मिट्टी। दिस सॉइल इज डिराइव बाय द डिसइंटीग्रेशन बाय क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक इन ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। ये जो मिट्टी है वो किससे बनी होती है, क्रिस्टलाइन से बनी होती है, क्रिस्टलाइन जो दर्द जिसमें पत्थर होते हैं, क्रिस्टलाइन मिट्टी। ठीक है, इसमें पत्थर पाए जाते हैं क्रिस्टल, एंड मेटामॉर्फिक रॉक की बनी होती है सूखे एंड वेट क्लाइमेट में। कंटिन्यूस हीट एंड ऑन द हिल स्लोप ऑफ ताप्ती रिवर, इसमें लगातार हीट पड़ती रहती है पहाड़ी क्षेत्र ढलानों पर, ताप्ती नदी की वैली। ठीक है, ये पत्थरों के टूटने से बनती है। एंड द आयरन प्रेजेंट इन दिस रॉक इज मिक्स्ड विद द सॉयल विच गिव्स इन रेड कलर। इसमें क्या होता है, जब ये पत्थर टूटते तो इसमें आयरन की मात्रा प्रेजेंट हो जाती है जिससे ये मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रेड कलर की हो जाती है। इट इज़ ब्राउन चॉकलेट येलो एंड इन सम प्लेसेस इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये जो है ब्राउन कलर में, चॉकलेट येलो और कुछ स्थानों पर ब्लैक कलर में भी पाई जाती है। इट डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, इसकी गहराई और इसकी उपजाऊता हर स्थान पर एक सी नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ एज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, क्योंकि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनी होती है। इट इज़ पोरस इन नेचर एंड इज़ फर्टाइल, ये कैसी होती है, ये पोरस इसमें अवशेष पर पाए जाते हैं एंड फर्टाइल होती है व्हेन इट इज़ फाइन एंड थिक, जब ये अच्छी और मोटी होती है तब। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड लाइम, इसमें जो है लोहा, एल्यूमिनियम और लाइम तत्व पाए जाते हैं। ऑन द अपलैंड दिस सॉइल इज थिन, ऊपरी सतह जो होती है वो पतली होती है, पुअर खराब होती है, मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है, ग्रेवली होती है, स्टोनी होती है, पोरस होती है और लाइट कलर्ड की होती है। बट इन लो लैंड, जब आप नीचे निचले क्षेत्रों में जाओगे तो इट इज़ रिच, ये कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, डीप डार्क कलर आ जाता है इसमें, फर्टाइल होती है और ये उपजाऊ होती है, रेड इन कलर और लाल कलर में होती है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश, ये पाई जाती है बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में, इन साउथर्न पेनिनसुला और दक्षिणी पेनिनसुला एंड इन मध्य प्रदेश में पाई जाती है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। इस बाजरा क्रॉप इज ग्रोन इन दिस सॉइल, इस मिट्टी में बाजरा की फसल उगाई जाती है। बट इन डार्क रेड कलर सॉइल, बट जो बहुत ज़्यादा डार्क लाल कलर की मिट्टी होती है उसमें कॉटन, व्हीट एंड माइलेट भी उगाया जाता है। ओके okay?